गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। नतियों का सीजन पूरे जोरों पर और मैं तो ये सोच रहा हूँ आज तो फिर भी ठीक है, सोमवार को क्या होगा। आज 20 वायदा कारोबार की कंपनियां हैं, कैश की तो भगवान जाने कितनी होगी। फिर सैटरडे संडे के रिजल्ट, मंडे को तो पता चला कि एक घंटे का 8 से 9 बजे हमें श्योर रिजल्ट एक्सरे ही करना चाहिए। आई एम श्योर आप उनमें से कुछ बेहतरीन चुनिंदा जो हमारे दर्शकों के सबसे ज्यादा काम के रिजल्ट हैं वो जरूर बताएंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं और फाइनली बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे रिजल्ट ऐसे हैं जो अच्छे नजर आ रहे हैं वरिंदर को, हालांकि वैल्यूएशन भले ही सस्ते ना हो। बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं लिस्ट में? सर, बहुत टाइम के बाद ना ये दिन आया कि जहां पे मुझे अच्छे रिजल्ट्स और इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स दिखे, और वो लार्ज कैप में भी है और मिड कैप में भी है और स्मॉल कैप में भी है। तो मैं बड़े नंबर से चालू करता हूँ। सिप्ला सर, आई थिंक आफ्टर डॉक्टर रेडीज ने फालतू में मेरे सारे फार्मा का सेक्टर का हालत खराब कर दिया था। सन फार्मा डिड वेरी वेरी वेल। सबको इशू था कि यूएस में जो सेल्स ग्रोथ है वो नहीं हो रहा और यूएस में प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है। सिप्ला ने सर नंबर जो किए बहुत शानदार नंबर थे। 1150 करोड़ एबिटा एक्सपेक्टेड था सर, 1350 करोड़ एबिटा आया। इसमें रीजन था कि इंडिया बिजनेस सर, मगर एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि 45 से 50% ग्रोथ आएगा और 68% ग्रोथ आया। इंपॉर्टेंटली यूएस बिजनेस डी ग्रो नहीं हुआ सर, जितना सोचा था उतना ही आया, बट ये जो टॉप डाउन बीट है वो आया बिकॉज ऑफ द इंडिया बिजनेस ग्रोथ। अभी भी सर 30 टाइम पे ट्रेड करता है टीटीएम पे, तो कोई बहुत महंगा स्टॉक नहीं है सिप्ला। अगर आप कुछ एपीए कंपनीज देखें तो वो पता नहीं कहां कहां चली गई है वैल्यूएशन के हिसाब से। सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स कमिंग फ्रॉम सिप्ला। आई थिंक टाटा केमिकल्स, व्हाट अ कमबैक सर। लास्ट क्वार्टर देखा था हमने किस तरीके से बहुत गंदे रिजल्ट्स आए थे टाटा केमिकल्स के। मैं देख रहा था कि 2750 करोड़ का एस्टीमेट था ब्रोकर्स का सेल्स का, उसके सामने 3000 करोड़ का सेल्स आया सर। और इंपॉर्टेंटली सोडा एश सेगमेंट, कुछ और कंपनीज भी है सोडा एश में सर, तो उन पे भी ध्यान दीजिए, बट सोडा एश में रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग हुआ। आप देखिए बेसिक केमिस्ट्री सेगमेंट होता है इनका टाटा केमिकल्स का, उसका जो सेल्स है वो 1650 करोड़ से बढ़कर 2100 करोड़ हुआ। और एबिट सर, मतलब आप सुनिए इसको, एबिट उसका 112 करोड़ से 346 करोड़, 3 गुना एबिट हो गया बेसिक केमिस्ट्री सेगमेंट में। एंड दैट इज वेयर द एंटायर नंबर्स हैव कम। मार्जिन 15% से 20% हो गए, लोग सोच रहे थे 16-17% हो गए, मगर फिनोमिनल सेट ऑफ नंबर्स। आई वाज सरप्राइज्ड सर जब आप इसके इंटरनल्स देखेंगे तो पावर फ्यूल कॉस्ट 9% क्वार्टर एंड क्वार्टर नीचे है और अदर ओपेक्स 10% नीचे है, तो बहुत ज्यादा कॉस्ट कंट्रोल हुआ है इसमें। आई थिंक इट्स वेरी गुड। मैनेजमेंट बोल रहा है कि सोडा एश वॉल्यूम जो है वो रिकवर कर गए प्री पेंडेमिक लेवल पे, विच इज अगेन अ गुड थिंग। गुजरात गैस के नंबर्स आपको बहुत अच्छे दिखेंगे सर, बट इसमें यही चीज सोचने वाली है कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं सस्टेनेबल है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 19-20% मार्जिन आएगा, उसके सामने 24% आया। 550 करोड़ एबिटा एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 723 करोड़ आया। वॉल्यूम्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, बट सीएनजी वॉल्यूम जो है उसमें पॉजिटिव सरप्राइज आया। इंडस्ट्रियल वॉल्यूम अभी भी डाउन है, बट सर इसमें क्या होता है कि इसका जो हम देख रहे हैं ना कि स्पॉट एलएनजी प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, तो स्पॉट एलएनजी प्राइसेस अभी $15 MMBTU पे है, तो वो उनका रॉ मटेरियल होता है, सिंपल सी बात है। तो अगर वो बढ़ रहे हैं तो वो नियर टर्म मार्जिन पर प्रेशर डाल सकते हैं। तो अगर वो प्रेशर नहीं आएगा तो इनको बहुत शार्प प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। कुछ ब्रोकरेजेस बोल रहे हैं कि 5 से 6 रुपए इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर वो नहीं किया सर तो इसके मार्जिन कम हो सकते हैं। तो कुछ ये प्रॉब्लम है कि नंबर्स बहुत अच्छे थे बट सस्टेनेबल नहीं सस्टेनेबल है बिकॉज इनका जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है स्पॉट एलएनजी वो बढ़ रहा है। अभी आइए मिड कैप स्मॉल कैप है सर। तो वन कंपनी विच वी हैव बीन यू नो एडवाइजिंग एसिलिया सॉल्यूशन, दैट इज अ यू नो दैट इज अ डिस्क्लेमर, एसिलिया सॉल्यूशन। आई थिंक द नंबर्स आप देखें तो मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यू नो प्ले इफ यू आर प्लेइंग अप ऑफ ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी। तो एसिलिया क्वार्टर क्वार्टर नंबर्स बहुत जबरदस्त थे और ये स्टार्ट है सर, बिकॉज अभी देख रहे हैं हम लोग एयर ट्रैफिक जो है लोकल ग्लोबल वो इंक्रीज हो रहा है। एबिट सर 113% डबल हो चुका है एबिट। एबिट मार्जिन 16% से 30% हो गया था क्वार्टर क्वार्टर। तो नंबर्स यू नो आप देखिए 16% से 30% एबिट मार्जिन हो गया। तो क्या ये कंपनी 100 करोड़ का 110 करोड़ का प्रॉफिट कर सकती है जो पेंडेमिक लेवल के पहले किया था? अगर कर सकती है सर तो ये अभी भी नेट कैश कंपनी 20 टाइम पे ट्रेड करती है। एक माइक्रो कैप कंपनी है सर पिट्टी इंजीनियरिंग, मेरे ख्याल में आप लोगों ने भी इसके बारे में बात किया था। आई थिंक दे आर डूइंग समथिंग फिनोमिनल। ये मगर अगर मैं पटाखा बोल सकूं तो ये पटाखा रिजल्ट्स था मेरी तरफ से, सुपर स्ट्रांग रिजल्ट्स। इसमें सर आपको देखना पड़ेगा एक अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उसको निकाल दीजिए और वो हम एवरी एनालिस्ट विल एक्सक्लूड दैट। तो वाई एंड वाई नंबर तो बहुत जबरदस्त है, इवन क्वार्टर क्वार्टर में देखा है कि अभी नंबर्स बहुत अच्छे आए थे सर। 2 करोड़ एबिटा के सामने 28 करोड़ एबिटा आया, लास्ट क्वार्टर 26 करोड़ एबिटा था। तो आप देख सकते हो क्वार्टर क्वार्टर वाई एंड वाई तो बहुत ही नंबर जबरदस्त है। 16% मार्जिन करने लगी है। इसका ईवी अभी 850 करोड़ है,
एक्सपेक्टेड है कि 150 करोड़ का एबिटा करेगा, तो आज के टाइम में भी पांच साढ़े पांच टाइम ईवी एबिटा पे ट्रेड करती है, तो बहुत सस्ती कंपनी है। और कुछ और कंपनी सर, नवकार कॉर्पोरेशन, दे हैव डन वेरी वेल लास्ट क्वार्टर, उससे भी अच्छा इस बार किया, 19% मार्जिन के सामने 21% मार्जिन की है। एक्रिसिल बहुत होम बिल्डिंग थीम सर सब अच्छा नहीं कर रही है, हमने देखा प्लाईवुड हुआ, सेंट्री हुआ, वो सब अच्छे नंबर नहीं दे रहे हैं, बट आई थिंक एक्रिसिल वॉज वन सेपरेट कंपनी जिन्होंने बहुत अच्छा किया कंपेयर टू ऑल अदर होम बिल्डिंग थीम कंपनीज। सेल्स, एबिटा, मार्जिन क्वार्टर क्वार्टर भी अच्छे हुए, स्पेशली एबिटा, एबिटा 4% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर था और 120% वाई ऊपर था। आपके मैं बात करूंगा कुछ सैनिटरी वेयर कंपनी जिनके नंबर बहुत खराब आए हैं इस क्वार्टर में, इवन प्लाईवुड कंपनी के नंबर खराब आए, बट दिस कंपनी हैज डन वेरी वेरी वेल। कुछ और कंपनी सर, आईटीडी, आंध्रा पेट्रो एक्चुअली सरप्राइज मी बिकॉज अभी भी वो बहुत अच्छे नंबर्स कर रही है क्वार्टर क्वार्टर। उसका जो पीयर है पनामा पेट्रो, उसने उतना अच्छा नहीं किया। आंध्रा पेट्रो सर अभी भी 2 करोड़ एबिटा के सामने 100 करोड़ एबिटा किया वाई और 77 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर था, बाकी आप सोचिए सर कितना बड़ा जंप आ गया। और एक छोटा सा कंपनी है सर भारतीय ग्रुप का, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, आई थिंक बाकी आई कुडंट बिलीव जब मेरे नंबर्स देखे, वाव सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम द कंपनी, 5 करोड़ के सामने 34 करोड़ एबिटा और 12 करोड़ के सामने 34 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर। तो मार्जिन सर जो 6-8% होते थे वो इंप्रूव हो गए 16% हो गए। ओके, तो ये है आपके लिए जुबिलेंट इंडस्ट्री, हमारा एसआईपी स्टॉक भी रहा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन दमदार परफॉर्मेंस। पीटी इंजीनियरिंग भी उसी स्पेस की एक कंपनी है, एसआईपी स्टॉक, और आपने जो वीआरएस में स्टॉक रिकमेंड किया था एसएलिया सॉल्यूशन, उसके भी दमदार रहे रिजल्ट्स। अच्छा बताएं, ऐसे रिजल्ट जो अच्छे हैं लेकिन थोड़े शेयर महंगे हो चुके हैं, और साथ ही कमजोर नतीजों की लिस्ट भी बताएं वरिंदर। सर नारायण विद्यालय के नंबर्स अच्छे आए थे, बट ऑफकोर्स आपने देखा डॉक्टर लालपाथ के नंबर्स भी आए थे कि उनको सेकेंड जो कोविड वेव हुई है उसका एक वन टाइम बेनिफिट मिला है, इसलिए नंबर्स आपको अच्छे दिख रहे हैं। 115 करोड़ एबिटा एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 135 करोड़ आया, 14.5% एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 15.5% आया। 45-46 टाइम्स पे ट्रेड करता है, सस्ता स्टॉक नहीं है, बट इसमें एक वन टाइम है इसलिए आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। वीक रिजल्ट्स में जैसे मैंने बोला सर कि होम बिल्डिंग में सबने अच्छा नहीं किया इस बार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्रिसिल डन वेरी डिड वेरी वेरी वेल कंपेयर टू अदर कंपनीज। तो आप सेरा, सोमानी किसी के नंबर पे देख लीजिए, इवन प्रिंस पाइप के नंबर्स देख लीजिए और जॉनसन कंट्रोल, हिटाची के देख लीजिए, इनके नंबर्स कुछ खराबी है सर, इन अ वेरी सिंपल मैनर। सोमानी देखिए सर, एबिटा 74% क्वार्टर क्वार्टर नीचे आया, आई नो एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि नंबर्स बुरे आएंगे, बट जितना सोचा था उससे भी बुरे आए, एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड था 9% आएंगे, उसके सामने 7% मार्जिन आया, तो खराब नंबर थे। प्रिंस पाइप्स देखिए सर, प्रिंस पाइप्स का एबिटा 70% क्वार्टर क्वार्टर नीचे आया, अगेन वी वर एक्सपेक्टिंग कि नंबर्स खराब आएंगे, बट सर सेल्स 450 करोड़ एक्सपेक्टेड थी, उसके सामने 330 करोड़ सेल्स आई, तो यू नो जितना बुरा एक्सपेक्टेड था उससे भी नीचे आया। और सर ये नहीं मुझे मालूम है जॉनसन कंट्रोल, हिटाची, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल लव दिस कंपनी बिकॉज एमएनसी कंपनी है सर, 13.5% मार्जिन से 1% मार्जिन पे आ गए, 77 करोड़ इसने लास्ट क्वार्टर में एबिटा किया था, उसके सामने 5 करोड़ एबिटा पे आ गया, 6% आरओसी कमाती है सर ये कंपनी और 135 टाइम्स पे ट्रेड करती है, आई हैव नो रीजंस व्हाई। एंड लास्ट स्टॉक सर अरविंद लिमिटेड, मैं बार बार बोलता हूँ कि व्हेन यू कैच अ थीम सब कंपनीज एक जैसी नहीं होती है, ऑल टेक्सटाइल कंपनीज आर नॉट सेम, अरविंद हैज नॉट परफॉर्म नॉट इवन दिस क्वार्टर, एबिटा आधा हो चुका है, मार्जिन आधे हो चुके हैं अरविंद लिमिटेड के क्वार्टर क्वार्टर। और कुछ रिजल्ट इनलाइन में थे सर जो आपने बात कर ही चुके हैं, बजाज कंज्यूमर, थर्मेक्स, एनसीसी एंड गेल, तो ये चार नंबर थे जो इनलाइन थे।